दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। जो आज मैं लाइव आया हूँ वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया हूँ आपके बीच में, तमाम उन बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर आया हूँ और आज एक पूरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए एक विशेष संदेश भी है। दोस्तों मैं कई बार नोट करता हूँ, कई बार चीज देखता हूँ, जो मेरा बेरोजगार कार्यालय है कभी वहाँ नर्सिंग भर्ती के लोग आते हैं, कभी पटवारी के आते हैं, कभी LDC के आते हैं, कभी शिक्षक भर्ती के आते हैं, कभी टेक्निकल विभाग के अभ्यर्थी आते हैं और कभी मैं उनके साथ सचिवालय जाता हूँ, कभी कोर्ट, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी RPSC, कभी सचिवालय में दूसरे जो विभाग है सभी विभागों में जाता रहता हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक MLA, एक मंत्री जो बनता है वो सभी अधिकारियों को अपने पास बुला लेता है, यानी कि उनके पास एक बहुत बड़ा पावर होता है और समस्याओं का निस्तारण कराने की कोशिश करता है। यानी कि मेरा कहने का अर्थ, सबसे बड़ा अर्थ यही है कि राजस्थान में लाखों बेरोजगार होने की है और जिनकी वजह से सरकार सत्ता में आई, कोई भी पार्टी हो, युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्या राजस्थान में छात्र संघ आयोग नहीं हो सकता? क्या बेरोजगार बोर्ड का गठन नहीं हो सकता? एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको केवल स्वार्थ नजर आता है लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य नजर नहीं आता। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि कम से कम एक छात्र संघ आयोग या बेरोजगार, मैं नहीं कहता मुझे बनाओ अध्यक्ष, नहीं, हमारे बेरोजगारों में किसी को भी बना दीजिए, कम से कम हमारे पास एक स्थान तो है जहां जाकर अपनी बात तो रख सके। क्या हो रहा है आपने देखा होगा, किसी ने गलती से कैटेगरी गलत भर दिया, किसी ने गलती से नंबर ज्यादा की जगह कम भर दिया, अधिकारियों को चक्कर काटते, अधिकारी कोर्ट में बैठते हैं, फिर कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। लेकिन दोस्तों ये तमाम चीज तब होंगी कि राजस्थान के तमाम बेरोजगार एक छत के नीचे आएंगे, यानी कि संगठित होंगे। मैं लगातार 8 साल से सिस्टम में सुधार को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं और हम सबको मिलकर प्राथमिकता के साथ एक ही आवाज बुलंद करनी होगी कि राजस्थान में हमारा खुद का भी एक बोर्ड हो या छात्र संघ आयोग हो जिसमें हमारे लोग मौजूद हो। काफी लोग कहेंगे कि उपेन यादव इसलिए बनाना चाहता है उसको खुद को अध्यक्ष बनना, नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? मैं लोगों की पीड़ाएं देखता हूं, लोगों के आंसू देखता हूं, जब मेरे कार्यालय पूछते बड़ी आशाओं के साथ आते हैं, मैं अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज इनकी बेरोजगारी सुन लीजिए। यदि हमारा कोई बोर्ड होगा और उसका कोई पदाधिकारी होगा, मजबूत होगा, तो वो दबंग आवाज में कह सकता है कि काम क्यों नहीं हो रहा, काम करना होगा, कह सकता है कि नहीं कह सकता। लेकिन इसके लिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार है, दबाव बनाना होगा कि हमारा भी सरकार में एक हिस्सा होना चाहिए। आपने देखा होगा मगरा बोर्ड बन गया, केस कला बोर्ड बन गया, पता नहीं जनजाति बोर्ड बन गया, ऐसे ऐसे बोर्ड बना के एक राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है जहां उनका कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान में युवा बेरोजगार बोर्ड, सहायता बोर्ड होना चाहिए या छात्र संघ आयोग होना चाहिए, चाहे कोई भी उसका व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, मैं मेरे लिए नहीं करता, लेकिन हमारा कोई भी साथी हो कम से कम उसके सामने अपनी बात तो रख सकते हैं। वो अधिकारियों को बुला के कह सकता है ऐसा क्यों हो रहा है। आप रीड का उदाहरण ले लीजिए, जब आदेश हो गए तो कई जिला परिषद वाले नाटक करे, कल बीकानेर वालों ने नहीं करवाया, तो कम से कम हमारा कोई व्यक्ति हो तो डायरेक्ट फोन कर सकता है, जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया उनको कह सकता है कि आप ये कैसा हो रहा है। लेकिन क्या हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारी मांग मान लीजिए, प्लीज हमारा ये प्रार्थना पत्र है, प्लीज हमारे ये ज्ञापन है, हाथ जोड़ते हैं। क्यों, हम कमजोर हैं क्या? हमारी संख्या कम है क्या? हम कम ताकतवर है क्या? नहीं, सत्ता हम बनाते हैं, सत्ता में हम लाने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा एक बोर्ड या छात्र संघ आयोग हो, चाहे हमारे राजस्थान के तमाम बेरोजगारों में कोई भी एक उसमें उसकी नेतृत्व करता हो, चाहे उनके हाथ में कमान हो, कम से कम अपनी बात तो रख सकते हैं। आज मंत्रियों के घर पे भागना पड़ता है, वो नहीं मिलते तो दोबारा जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM सबसे टाइम लेना पड़ता है। बोर्ड होगा तो क्या राजस्थान के बेरोजगारों को फायदा नहीं होगा? मैं तमाम इश्यू को लेकर आपके बीच में हूं। एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, संस्कृत विभाग की रीट शिक्षक भर्ती 2017 का, जो वेटिंग और रिसपल के लिए, जो वो मेरे साथी जवाब साथी, चाहे सुरेश कुमार हो, चाहे अशोक कुमार हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे पवन जी हो, कई लोग, चाहे सौरमल जी हो, वो मंत्री जी के घर 4 बजे गए, ये 5 तारीख की बात बता रहा हूँ, 9 बजे तक उनके घर पड़े, पैर पकड़ लिए, मंत्री जी ने कहा जाओ तुम्हारा काम हो गया, और कल सारे अधिकारों का कल तुम्हारा काम कर देंगे, शाम को क्या कह रहे, कार्य विभाग का आदेश कोई सर्कुल का हवाला देते, बोले नहीं होगा। अरे बड़े श्रम की बात, मुझे इतना गुस्सा आया,
तुम लोगों को श्रम नहीं आई, वो लोग बेचारे चक्कर काट रहे थे, हाथ जोड़े थे, आपने अचानक मना कर दिया, क्यों नहीं निकालोगे, क्यों नहीं निकालोगे? मैं भी देखता हूँ, यह समझ रहा हूँ कि मैंने कांग्रेस समर्थन दे दिया तो मैं दब जाऊंगा, नहीं, मेरे लिए मेरे बेरोजगार पहले हैं, मेरे लिए मेरे बेरोजगार पहले हैं। उन लड़कों के आंखों में मैंने आंसू देखकर जब उनकी उदासी देखी ना, इतना भयंकर गुस्सा आया कि दोस्तों यदि बेरोजगारों का ऐसा कुछ होगा तो मेरे 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 बस में हो ना, तो मैं इन अधिकारों की इतनी भयंकर सजा मिले कि इन लोगों की जिंदगी में कभी गलती नहीं करे। तो उनको क्या पता है बेरोजगार कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि नहीं होगा, वो 7 दिन से यहाँ पड़े हुए थे, चक्कर काट रहे थे, मंत्री के पैर पकड़ते थे, मंत्री ने अधिकारी को बुला के उनके सामने कहा कि आपका काम 2 दिन में काम होना चाहिए। लोग कुछ थे, माँ बाप को फोन कर रहे थे कि मैं जयपुर हूँ, 2 दिन में काम हो जाएगा। मैं खुद गया खुद शिक्षा संकुल में, कल मैं खुद गया 11:30 बजे के लगभग, मैं मिला वहाँ CB शर्मा जी काम देख रहे, बोले मेरा काम कंप्लीट है, जैसे ही मुझे वहाँ अटल जी जो निदेशक मोदी जी के साइन होंगे मैं लिस्ट निकाल दूंगा। मैंने पोस्ट भी की, मैं वहाँ से देसी दोस्त पूछा कोई काम के लिए, पीछे से सूचना ही कि मना कर रहे हैं। और उन लोगों के चेहरों पर जब मैंने उन लोगों को उदासी देखी, जब मैंने उनसे बात की, उनसे बोला नहीं जा रहा था यार, वो भी किसी माँ बाप की संतान, वो कितना असह्य है, उनके परिवार वाले बहुत दुख होता है। ऐसी कोई परीक्षा बता दो जिसमें विवाद नहीं होता है, क्यों UPSC की परीक्षा में क्यों नहीं होता विवाद? क्या आप UPSC की तर्ज पे हमारा सिस्टम सुधर नहीं सकता? कब तक हम भटकते रहेंगे दोस्तों, कब तक? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कमजोर नहीं है, ताकतवर है। आज टेक्निकल विभाग ITI वाले, क्योंकि उनमें प्राइवेट एजेंसियों को ठेका देते हैं, प्राइवेट एजेंसी धोखा करती है, और आज वो भटकते रहते हैं, आवाज करते हैं कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्या मिलता है? कुछ नहीं, ज्ञापन ओपन कचरे में डालते हैं और सब भूल जाते हैं, और वो लटकते रहते, भटकते रहते हैं। ये राजस्थान के तमाम उन बेरोजगारों की मैं कहानी बता रहा हूँ, और ये कहानी और ये न्याय तब मिलना स्टार्ट होगा जब राजस्थान में हम बेरोजगारों की हिस्सेदारी सरकार में होगी, हम दबंग तरीके से, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो चाहे कोई मीटिंग, दबंग तरीके से कह सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम क्यों हो रहे हैं। इसके लिए हमारी हिस्सेदारी होना आवश्यक है। आप समझने की कोशिश करिए, इसका अर्थ का अनर्थ ना निकाले कि उपेन्द्र यादव खुद के लिए कर रहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके सामने लाइव कह रहा हूं, हमारा कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हो, कोई भी, लेकिन वो अपनी आवाज तो बुलंद कर सकता है। ये लाइव, ये वीडियो नोट कर लेना, टाइम देख लेना, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कोई भाई तो हो ना, कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकता है ना, कम से कम अपनी बात तो रख सकता है ना, कि जिस अधिकारी की वजह से आज बेरोजगार खून के आंसू हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल में डालो, जुर्माना करो। क्या उनका अधिकार है किसी के सपने तोड़ने का? उनका अधिकार है बेरोजगार को चक्कर कटाने का? नहीं। यदि कोई अधिकारी भी ये देख रहा हो, मेरा ये लाइव वीडियो देख रहा हो, और जो तानाशाही करता है, गलतफहमी निकाल लेना, मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं। जहां मेरे बेरोजगारों को आंखों में आंसू होंगे, उदासी होगी, मैं उनके लिए मेरी जान भी देने के लिए तैयार रहूंगा, नहीं दबूंगा मैं। लेकिन एक चीज मैंने 8 साल में देखी कि केवल 5% ही अधिकारी तानाशाही करते हैं, 95% अधिकारी वास्तव में सपोर्ट भी करते हैं और अच्छे भी होते हैं, काम करने के लिए तत्पर भी होते हैं, लेकिन ऊपर बैठे वो लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं, मनमानी थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो 5% जो लापरवाही तानाशाही कर रहे हैं, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, खुले में कह रहा हूं, नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं सिस्टम में रहा, यदि मैं इस मामले को मैं रहा, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंसू देखे उन लोगों के, उनके चेहरे देखे। आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आप तो ऐसी में रहने वाले हो। दूसरी तरफ चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे DC हो, मैं धन्यवाद तो इसलिए देना चाहूंगा, आज तक हमने जो भी मांग रखी आपने हमारी मांगे पूरी की, धन्यवाद की पात्र। मैं आपकी बुराई इसलिए नहीं कर सकता कि आप काम नहीं करते तो मैं बुराई करता और विरोध करता, लेकिन आपने काम की। पहले मैं आप लोगों के सामने इनकी शिकायत करूंगा कि ये लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। क्या अधिकार था कि आपको अचानक मना कर दिया कि 2017 की रिसिपल बेटिंग नहीं आएगी? क्यों? आपका अधिकार है, आएगी और आपको दिखाना होगा, देखता हूं कितना दम आप रोकते हो, आएगी। इसके अलावा दोस्तों, तमाम इश्यू को लेकर मैं आपके बीच में हूं, बेरोजगार की तमाम, क्योंकि लाइव लंबा होगा, लेकिन मुझे पता है कि कल लोगों के चेहरों पर उदासी और आंसू देखे तो मेरा दिल भी, वास्तव में मैं भी इंसान हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं। काम करता हूं, सीना ठोक के करता हूं और खुला चैलेंज देके करता हूं कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ता हूं। क्या मुझे चुनाव लड़ना है? क्या मुझे MP बनना है? क्या MLA बनना है? डर तो उसको लगे कि यार मैं किसी को चैलेंज दूंगा तो MLA MP भी मुझे वोट नहीं मिलेंगे। मैं MLA MP बन चुका हूं,
राजस्थान के लाखों बेरोजगारों की दिल में जगह है, मेरे लिए वही टिकट है, वही एमएलए एमपी है, मैं खुश हूँ मेरी जगह। लेकिन जब मेरे ही साथी मेरे ही बेरोजगार रोएंगे, उनके आंखों पे आंसू होंगे, तो दिल रोच में ये तमाम बातों को लेकर आज मैं लाइव आ रहा हूँ। हालांकि काफी नेता लोग, काफी लोग इस लाइव को भी देखते हैं, लेकिन आप अपनी मेरी जगह रख के देख लीजिए। आपके सामने कोई आके आपके ऑफिस में आके रोने लग जाए, फोन करके रोने लग जाए, किसी का बुजुर्ग माता पिता फोन करके कहते बेटा हाथ जोड़ते, यदि मेरे माता पिता किसी सामने हाथ जोड़ेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। आज लोगों की आशाएं मेरे से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत बड़ी आशाएं रखते हैं, लेकिन कई बार मैं उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाता, तो उनको कितना दुख होता होगा। क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं इतना पावरफुल नहीं कि आपकी हर आशाएं पूरी कर दूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं, भाग दौड़ करता हूं, और भगवान के आशीर्वाद से अधिकतर आशाएं, अधिकतर मेरे प्रयास सफल हुए हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन दोस्तों, जब हमारा सरकार में अस्तित्व होगा, हिस्सा होगा, तो कहीं ना कहीं बेहतर कार्य होगा, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तमाम इश्यू को लेकर आपके, मैंने संस्कार विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही बताई, लेकिन संस्कार विभाग को अभ्यर्थियों कह दूं, दोस्तों मैं आपके साथ हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके चेहरों पर खुशी आए, चाहे मुझे इसके लिए सीएम से मिलना पड़े, चाहे डिप्टी सीएम से मिलना पड़े, चाहे मंत्री जी से मिलना पड़े, मैं मिलूंगा। हालांकि जिस अधिकारी ने लापरवाही की उसको फोन करके कल ही मैंने कह दिया था कि आप देखना क्या होता है, क्योंकि नहीं, असत्य हम सहन नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं सहन कर सकते। जो व्यक्ति अत्याचार सहन करेगा वो भी दोषी है, वो कायर है, क्या होगा, जेल में डाल देंगे, फांसी लगा देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन सीना ठोक के ये तो कह सकते हैं कि हमने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, पीछे नहीं हटे। मेरे युवा साथी, आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अब जो योजना बना रहे हैं, आप इस लड़ाई में मेरे साथ रहें, और इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों तक। तो बात पूछी कि मैं आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहा हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात यह भी रखी थी कि प्रत्येक विभाग में, चाहे टेक्निकल विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, अरे भाई कोई ना कोई तो रिटायर्ड होता है ना प्रतिवर्ष, जितने लोग रिटायर्ड होंगे उतने पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकालो, उसका कैलेंडर जारी कर दो कि इस विभाग की दिसंबर में होगी, इसमें जनवरी में होगी, क्योंकि कम से कम बेरोजगार वो तैयार तो कर सके। चाहे 5 लोग रिटायर्ड हो, जितने लोग रिटायर्ड हो उन पदों पर सभी विभागों पर, कई लोग कहते हैं कि हमें तकनीकी सही गया, टेक्निकल विभाग को भूल गया, अरे सभी विभागों में सारे विभाग आते हैं, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, टेक्निकल विभाग हो, सारे विभाग आते हैं। हर विभाग में जितने लोग रिटायर्ड हो, हमें 15 लाख का जुमला नहीं चाहिए, जितने लोग रिटायर्ड हो, रिटायर्ड तो होते हैं ना प्रतिवर्ष, उन्हीं पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकाले, कैलेंडर जारी कर दे कि हम इस महीने में ये भर्ती कर रहे हैं। सही या गलत है बताइए आप लोग, ये मांग गलत है क्या, 15 लाख क्यों थोड़ी करिए, 15 लाख दीजिए। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम में सुधार सरकार को करना होगा, प्रतिवर्ष जितने पद रिक्त होते हैं प्रतिवर्ष भर्तियां निकालनी होगी, चाहे कोई सा भी विभाग हो। इसके अलावा आरपीएस ने एक अच्छी अच्छी एक एक्टिविटी बना रहे हैं, जिससे वो जितनी भी लोगों की शिकायतों को निस्तारण कर सके। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आप लोगों ने ये बात दिमाग में आई, लगातार मैं आरपीएस के सामने प्रदर्शन करता रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, सिस्टम में सुधार हो, कम से कम ये सुधार तो होगा। कम से कम यूपीएससी की तरफ में राजस्थान की परीक्षाओं की प्रणाली होनी चाहिए। क्या यूपीएससी में क्यों नहीं शिकायत आती, क्या आप उस प्रणाली के आधार पर काम नहीं कर सकते हो? और एक चीज और रखने में, जो गलती अधिकारी करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई का नियम भी बनाए। अरे आप गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के नियम नहीं बनाओगे तो गलतियां करता रहेगा, और यदि आपने कार्रवाई का नियम बनाया तो एक के खिलाफ कार्रवाई की तो दूसरा भी 3 बार सोचेगा गलती करने से पहले। इसलिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, मैं नहीं कहा पूरे अधिकारियों के खिलाफ नहीं हो, मैंने ऐसे ऐसे भी आईएएस अधिकारी देखे जिन लोगों ने अपनी वास्तव में हमारा साथ दिया है, बहुत लोग हैं, चाहे नरेश पाल गंगवार जी हो, चाहे आनंद कुमार जी हो, चाहे नवीन महाजन जी हो, कई लोग हैं, कई आईएएस अधिकारी है, चाहे ललित कुमार जी हो, कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका पूरा सहयोग रहा है, जो हमेशा कोऑपरेट किया और उन्होंने काम करके दिखाया है। केवल 5% लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे बैठते हैं, और उनको बेरोजगारों के दर से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो अच्छे खानदान से ना ऐसे में बैठने वाले, उनको क्या पता कि आज बेरोजगार किसान का बेटा उनकी क्या हालत होती है। लेकिन जो हम अभियान चला रहे हैं, इस अभियान में चाहे मुझे कोई जेल में डाले, चाहे मेरे को कोई मरवाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। सिस्टम में सुधार तो होना चाहिए यार, कम से कम सही व्यक्ति को न्याय तो मिले। आज परीक्षा प्रणाली को उठा के देख लीजिए, कौन सी परीक्षाओं में विवाद सामने नहीं आ रहा, कहीं नकल हो रही है, कहीं पेपर आउट हो रहा है, कहीं लोग पकड़े जाते हैं। बाड़मेर में सेकंड ग्रेड हिंदी का आज भी वो जिस व्यक्ति पे आरोप लगे वो जेल में है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए?
तकनीकी सहायक में बड़ा लापरवाही, प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दिया जाता है। क्या सरकारी एजेंसी नहीं हो? अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी से एग्जाम नहीं हो सकती है? और उसी एजेंसी को दिया जाता है जिसपे ऊपर पहले मुकदमा दर्ज हो ज्योतिनगर थाने में। इसका मतलब क्या होता है? मिली भगत या इनकी हिस्सेदारी है। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपकी हर पोल खोली जाएगी। मेरा लक्ष्य यह है कि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को एक करना और इस अभियान को बुलंद करना कि राजस्थान की सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, समय पर प्रतिवर्ष एग्जाम होनी चाहिए और प्राइवेट संस्थाओं को ठेका नहीं देना चाहिए। ज्यादातर टेक्निकल विभाग की भर्तियों में यही हो रहा है, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे आप मान लीजिए परिवहन विभाग हो, अधिकतर प्राइवेट संस्थाओं को ठेका दिया जाता है जिसमें अपने लोगों को लगा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, नर्सिंग विभाग की हालत देख लीजिए, 2013 के आज भी भर्ती लंबित है, वो लोग भटक रहे हैं। 2018 में भर्ती निकाली वो भी लंबित है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि 2013 वाली भर्ती को पूरा करें और 2018 की आरपीएससी के माध्यम से लिखित परीक्षा हो और मिले और 2018 वालों को मिले। क्या हुआ? पिछली सरकार ने क्या किया? ग्रुप तीन बना दिए, लड़ा दिया और भर्ती को अटका के चले गए। नहीं, न्याय सबके साथ होना चाहिए। 13 वालों की भर्ती पूरी हो और 18 वाले की भी एग्जाम आरपीएससी के माध्यम से हो, लिखित में हो और वो प्रदेश स्तरीय मेरिट बने, जिससे नए जो तैयारी कर रहे हैं लाखों नर्सिंग भर्ती कर्मी उनका भी भविष्य बन सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए आप? होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को बांट दिया जाता है और हम लोग, हमारी ताकत बढ़ जाती है और ये लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया हम सबको एक होने का। विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक में लगा दिया, कुछ लोगों को 6,000 में क्या कर पाएंगे? भर्ती सुप्रीम कोर्ट में 2013 से लंबित है, आपके भी 3-4 ग्रुप कर दिए। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सारे लोग एक झंडे के नीचे आ जाए, मजबूत बने। और मैं तो तमाम उन साथियों को कहना चाहूंगा, चाहे LDC 2013 हो, चाहे पंचायत राज LDC हो, ये विद्यालय सहायक हो, तमाम लोग एक जगह होके एक मजबूती से लड़ाई लेनी चाहिए। जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ हूं। और कई लोगों की, तमाम लोगों की मांग आ रही कि आगामी भर्ती थर्ड ग्रेड भर्ती आरपीएससी के माध्यम से हो। दोस्तों घोषणा पत्र में डालने के लिए मैंने सरकार को ये दी थी, आगामी भर्ती आरपीएससी के माध्यम से हो, प्रदेश स्तरीय मेरिट हो और आरटेट और रीट पात्रता और एक शिक्षक भर्ती हो जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% आता है, राजस्थान अभ्यर्थियों को फायदा हो। और कई लोग कह रहे हैं कि रीट की भर्ती आने वाली, कई कोचिंग वाले झूठे पोस्टर लगा के चला रहे हैं। अभी कोई भी नहीं है क्योंकि अभी बोर्ड की एग्जाम चल रही है, अभी कोई सूचना नहीं है। मैं 11 तारीख को अजमेर जा रहा हूं, मैं मिलकर आपको सच्ची बात से रूबरू कराऊंगा कि भर्ती कब आने वाली है। लेकिन रीट और आरटेट पात्रता हो, उसके बाद शिक्षक भर्ती हो, जिससे वेटेज जैसी बीमारी खत्म हो जाए, क्योंकि वेटेज की वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ। मैंने आवाज उठाई, मुझे जेल में डाल दिया गया और दबा दिया गया। लेकिन उस समय भी आप लोग एक हो जाते, जब मैं जेल में गया आप लोग एक हो जाते, सड़कों भी आ जाते, तो कोई भी सरकार की औकात नहीं थी कि आप लोगों को दबा सके। मैं जेल में सड़ता रहा और आप लोग घर बैठ गए। उस समय आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए, मैंने दबाव बनाकर, चाहे बाहरी राज्य का कोटा हो, चाहे बेटे जैसी बीमारी हो, चाहे एक ही प्रमाण पत्र से बार बार लगने वाली बात हो, मैंने मंत्रियों की मीटिंग में वो बात रखवाई और मंत्रियों की मीटिंग में खुद गया, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया और मामला दब गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहरी राज्य का कोटा कम होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान की सत्ता में हिस्सेदारी रखने वाले वो लोग हैं जो सत्ता में लेके आए थे और खुला समर्थन दिया था कि हम आपके साथ हैं। इसलिए बाहरी राज्य को कोटा कम हो, और जो बार बार एक ही पोस्ट पे बार बार आ रहे हैं, प्रतिबंध जिलों को छोड़कर बार बार एक पोस्ट पर, उन लोगों पे लगाम लगनी चाहिए, उन लोगों को रोकना चाहिए। अभी रीट लेवल 2 में क्या हुआ, रिसप्लाई, किसी का हिंदी में हो गया, उसका SS में हो गया, कई पोस्टें खाली है। यार आप समझदार हो, अधिकारी हो, क्या हो? आपको समझ में नहीं आता कि मैंने खुद ने भी अवगत कराया था कि काफी लोगों का चयन बार बार एक विषय का दूसरे विषय में ज्वाइनिंग कर रहा है, तो वो ज्वाइनिंग करे इधर क्यों आएंगे? उनको वहां रहने दीजिए, इसमें बेरोजगार को मौका दीजिए। एक ही प्रमाण पत्र लोग बार बार लग रहे हैं, तो सरकार को एक ही प्रमाण पत्र की बीमारी मेटनी होगी और बाहरी राज्य को कोटा कम करना होगा। और यदि माध्यम से होती है तो कहीं ना कहीं बेटे जैसी बीमारी खत्म होगी। मुझे पता है, मेरी प्राथमिकता है कि आरपीएससी के माध्यम से रीट आरटेट पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती हो, मुझे पता है। और मैं जल्दी CM साहब से मिलूंगा, तो ये बात रखूंगा, चाहे DC से मिलूं, क्योंकि DC का भी अहम रोल है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है, बात रखी है और सहयोग भी है। तो हम पूरी सरकार से मिलकर इस सिस्टम में सुधार हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस रणनीति में सफल हो पाएंगे। आने वाली भविष्य में थर्ड ग्रेड भर्ती 2 एग्जाम से होगी, पात्रता प्लस वो, और प्रदेश स्तरीय मेरिट होगी और इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आए, जिससे आप लोगों का फायदा हो सके। अब मैं लेवल फर्स्ट की रीट, लेवल फर्स्ट की वेटिंग, रिसिप्ल वाले कॉल और मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों 1-2 दिन रुक जाइए, मैं दोबारा DC और CM से मिल रहा हूँ और मैं
कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रिसेप्शन वेटिंग जल्द से जल्द आए, आपकी परमिशन मिल जाएगी, आ जाएगी, मुझे पता है, मैं आपको समय समय पर बात अवगत करा दूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि उपेन यादव रिट्रीट करता रहता है, इसलिए मुझे पता है, मैं कम भी बोलूँ तो यह ना सोचे कि मैं आपकी बात भूल गया, आपके साथ ही मेरे साथ बैठते हैं, उनको हर चीज़ से मैं अवगत करा रहा हूँ, मैं जल्द ही मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री से मिलकर इसकी द्वितीय वैधता सूची जारी करवाने के लिए प्रयास क्या करूँगा, आपकी निकलवा ही दूंगा, आप ये महीने इंतजार करिए, भगवान चाहते इस महीने में आपको कुछ खबरी मिल जाएगी, आप इंतजार करो, मैं लगा हुआ हूँ आपके काम। अब ले लीजिए रीट 2016 अंग्रेजी और साइंस मैथ की, क्या तमाशा बना रखा है यार, जोधपुर हाईकोर्ट ने कह दिया कि अंग्रेजी की वो निकाल दीजिए आप लेवल टू की, जैसे पर साइंस मैथ वाले 927 में 840 कितने 800 से ज़्यादा पद खाली है, क्या ये पोस्ट नहीं भर सकते हैं, भरना चाहिए ना, लेकिन तानाशाही, जो बीकानेर निदेशालय में बैठा उप निदेशक अपनी तानाशाही पे उतरा, मुझे क्या कह रहा है कि नहीं 2016 की तो आ ही नहीं सकती, भैया तेरा घर का माल है कि नहीं आ सकती, गलतफहमी में निकाल लेना, आप जनता की सेवा के लिए आए हो, आपको काम करना होगा, क्यों नहीं आ सकती, आएगी, कोर्ट ने आदेश दिए, आप जाओ डीबी में, हम भी जाएंगे, साइंस में 2016 क्यों नहीं आ सकती, इतने पद खाली है, क्यों घर से नौकरी देनी पड़ी है क्या आपको, लेकिन नहीं तानाशाही कर लो, कितने दिन तानाशाही करते हो, तुम्हारी सबसे पहले शिकायत करूंगा, और हम सड़कों पर उतरेंगे, यदि आप लोगों को नहीं हटाएगा, ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाना चाहिए, 2016 की साइंस में अंग्रेजी की आनी चाहिए, अंग्रेजी वालों को मैं कह दूँ, कल वो व्यक्ति आ रहे उनसे मैं मिलूंगा, आ रहे मेरे पास, साइंस में वालों को मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम इन अधिकारों को कोर्ट का टोटका चाहिए, कर लेना चाहिए था ना, अब तक तो तुम्हारा भी काम हो जाता, लेकिन तुम्हारी लापरवाही मिलने डूबी, अब तक तुम्हारा हुआ नहीं, आचार संहिता आजकल में लग जाएगी, लटकते रहना, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द करवाए, जिसे हम कह सकते हैं देखो कोर्ट ने भी कहा। WRD की वैकेंसी का भी कॉल और मैसेज आते हैं दोस्तों, WRD की वैकेंसी को लेकर जो दो मेरिट को लेकर विवाद बना, उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड ने, कल मैं जो दो दिन पहले चेयरमैन से मिलकर आया था, अधीनस्थ बोर्ड ने वापस उनको भेज दिया है विभागों को कि मेरिट किस आधार पर बनाई, जो विवाद में उलझी पड़ी है वो तय कर पाएंगे, मेरिट कैसे बनाई जाएगी इस कारण से रुकी है, वहां से फिर वो विवाद समाप्त होगा ना, उसके बाद आप जितनी अब वैकेंसी आनी है, आपको पता अच्छा चीज आजकल लग जाएगी, लोकसभा चुनाव के बाद ही आएंगी वैकेंसी, उससे पहले नहीं आने वाली, उससे पहले नहीं आने वाली, लोकसभा चुनाव के बाद ही नई वैकेंसी आएंगी, उससे पहले नहीं आने वाली, और जिन भर्तियों के परीक्षा तिथि घोषणा नहीं हुई है वो भी चुनाव बाद ही आपकी परीक्षाएं होंगी, स्पष्ट सुन लीजिए कि परीक्षाओं की तिथि जो परीक्षा होगी लोकसभा चुनाव बाद ही होंगी, और नई भर्तियां चाहे पटवारी की हो चाहे WRD की हो, पटवारी विवाद बताया जा रहा है कि जो क्रिमिनल OBC का क्रिमिनल की बात हो चाहे गुजर आरक्षण की बात है MBC, तो उसको लेकर अभी सीटों का वर्गीकरण नहीं हुआ, वो विवाद चल रहा, उसके बाद पटवारी प्लस WRD जो विवाद है वो जो भी है समाप्त होने के बाद ही लोकसभा चुनाव बाद दोनों भर्ती आएंगी, इसके अलावा और भी भर्तियां LDC की भर्तियां और भी आएंगी, LDC की भर्तियां और भी आएंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही, हाँ बार बार चयन होना इस जिला पर, पता है सबसे बड़ा दुख इस बात को होता है कि जो बेरोजगार मेरे पास आते हैं, भैया हमें पाकिस्तान की बॉर्डर पर नौकरी मिल जाए हम ले लेंगे, नौकरी ज्वाइन करते हैं, भैया मुझे घर मिल जाना चाहिए, यार आप उस दर्द को तो याद करिए जब आप दुखी थे, आप तैयार थे, और आज आप एक सीट खराब करके दूसरे बेरोजगार को नुकसान पहुंचा रहे, कम से कम आपका भला हो गया तो दूसरी भले की भी आपको सोचनी चाहिए, सोचनी चाहिए, सोचिए वो दर्द, वो दिन, समय क्या हालत थी आपकी। इसके अलावा दोस्तों मैंने RPSC के लिए कहा था UPSC की तरफ ही होना चाहिए, और गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भारी राज्यों को कोटा, कुछ लोग कह रहे उपेन यादव भूल गया, अरे मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मुझे हर बात याद है, लेकिन भारी राज्यों को कोटा क्यों भूल गया, याद है क्यों भूल गया, कभी रीट फर्स्ट लेवल वाले इधर ले जाते, लेवल टू वाले इधर ले जाते, कभी जोधपुर, कभी बाड़मेर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट, एक इंसान हूँ यार, मशीन नहीं हूँ, क्या क्या करूँ, छोड़ता ही नहीं कोई, पूरे दिन लगा रहता हूँ, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की आवाज़ बुलंद करूँ, मुझे पता है बाहरी राज्य का कोटा कम करने के लिए मैं मेरी जान भी लगा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, मुझे पता है ये होना चाहिए, लेकिन ये लाइव आने का क्या मतलब है, सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और हिस्सेदारी होगी तो ये काम भी होगा, ये काम भी होगा, इसलिए हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है। रेलवे भर्तियों में आजकल देखा ऑनलाइन में कितनी घफले हो रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की, मेरे काफी लोगों को फोन आया कि वास्तव में ऑनलाइन में एक IAS अधिकारी से मेरी बात हुई कि वास्तव में गड़बड़ी हो रही है, अरे आप ऑफलाइन करवा दीजिए, ऑनलाइन में गड़बड़ हो रही है, ऑनलाइन में राजस्थान पुलिस में, राजस्थान में गड़बड़ी नहीं हुई क्या, हमने मांग की कि आप ऑफलाइन करवाए, ऑफलाइन में देखो आज लोगों की एग्जाम ही आज स्कूल वो ज्वाइनिंग भी कर ली उन लोगों ने, तो ऑफलाइन होनी चाहिए ना। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ी
भारी काम गड़बड़िया हुई है और इसमें काफी साथी लोग मिले हुए हैं और काफी लोग जो एग्जाम करवाने वाले मिले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें गड़बड़ हुई है और आने वाली चाहिए। ये हमारी मांग है प्राथमिकता के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि रेलवे के एग्जाम ऑफलाइन वापस होनी चाहिए ऑनलाइन की जगह, क्योंकि इसमें गड़बड़ियां आ रही है, काफी लोग फर्जीवाड़े से नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली बिजली कंपनियां, राजस्थान रोडवेज जो जो है प्राइवेट क्यों दे रहे हैं, 20,000 पदों को पहले खत्म किया था, उन पदों को पुनर्जीवित करना चाहिए। पेपर लीक प्रकरण में दोषी, अब एक सबसे बड़ी बात, मैं अभी चेयरमैन से मिला था, वो बता रहे थे पेपर लेने वाला और पेपर देने वाला दोनों को दोषी मैं मानता हूँ, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुकना एक बात, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पेपर लेने वाला और पेपर देने वाला दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांगू उनके खिलाफ नियम बनाए। क्यों, पेपर कौन लेता है, जो पढ़ना नहीं चाहता जो अयोग्य है, लेकिन जो पढ़ने जो तैयारी करते रात दिन मेहनत करते उनके साथ क्या हो रहा है, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस लाइव के माध्यम से सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जाल साजों के झांसे में न आए, केवल आपको झांसे में फंसा दे, इनके पास कुछ नहीं है। आपको कहते पेपर देंगे लाखों करोड़ रुपए, ये करोड़ रुपए कमा लेते हैं, साल भर बाद जेल से छूट जाएंगे, 10-20-50-10 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन 90 लाख तो फिर भी कमा लेंगे ना ये लोग। इसलिए जाल साजों के झांसे में न आए, अपना भविष्य खुद तय करें। मैं खुद जेल में जाकर आया था, मैंने राजस्थान पुलिस के वो अभ्यर्थी देखे कि भैया हमने 5-5 लाख रुपए भी दे दिए, न तो हमारा नंबर आया जेल में, और आगे रो रहे हैं वो लोग, आज सिकर के रहने वाले थे, मैं खुद मिलकर आया था जेल में, वो मुझे मिले कि मैंने पूछा आप कैसे आए, बोले भैया हमने 5 लाख रुपए दिए थे किस बीच वाले को, हमने पेपर देने के हम पकड़े गए, हमारे पैसे भी गए और हमारा भविष्य भी गया, आज वो लोग पछता रहे हैं। तो आपके पास भी पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लालच में आके आप फंस जाओगे और आपका भविष्य खराब कर लोगे। इसलिए किसी भी जालसाजों के झांसे में ना आए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा, अन्यथा आपका भविष्य खराब हो जाएगा। जिस प्रकार उसका नाम, लड़के का नाम सुभाष था, आज मुझे नाम याद है एक लड़के का और एक और उसके साथ था, वो लोग आज भी पछता रहे हैं, आज भी रो रहे हैं क्योंकि वो जेल में पड़े, उनकी जमानत नहीं हुई। इसलिए आप इन जाल साजों से बचकर रहे। इसके अलावा दोस्तों फरवरी अजमेर, मैं रीट नहीं भर्ती के लिए अजमेर जा रहा हूं, आपको बता दूंगा। और इसके अलावा धर्मेंद्र एक बार बता रहा, किसी को और कोई मैसेज आ रहा हो तो सेकंड ग्रेड के लिए अजमेर। हाँ एक चीज और बता रहा था दोस्तों, क्योंकि अब मैं फेसबुक पे लाइव हूं, उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से यूट्यूब चैनल है, जो लोग लगातार इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े उनको पता है, जो अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी भर्ती के लिए मैंने घोषणा की थी कि मैं रीट मामले में बिजी हूँ, 4-5 तारीख को फ्री हो जाऊंगा, 10 तारीख तक अधीनस्थ बोर्ड इसका परिणाम नहीं निकालते तो 11 तारीख को हम घेराव करेंगे, ये घोषणा मैंने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। मैं खुद मिल के आया था उसी दिन, मुझे कहा 15 से पहले निकाल देंगे, लेकिन आचार संहिता को देखते हो अचानक 5 बजे मीटिंग बुलाई और उसकी रिजल्ट आचार संहिता लगने वाली थी, और हमने 15 से पहले तो कोई भी तारीख आती है निकाला तो 15 से पहले। लेकिन जब जब हमने आवाज़ बुलंद की है, पता नहीं हमारी आवाज़, हमारा जो जो आह्वान हमेशा कामयाब रहा है, हमने घोषणा की थी 11 तारीख को अधिनियम बोर्ड का घेराव करेंगे, ये 10 तक रिजल्ट नहीं निकाला, उसके पहले आपका रिजल्ट आ गया। रही बात आरपीएससी की, हमने जब वैसे मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया तो हमने आरपीएससी का 11 तारीख का प्रोग्राम रख दिया, कि आरपीएससी को मैंने लाइव में जो मेरे यूट्यूब चैनल पे बोला था कि 11 तारीख को मैं आरपीएससी जाऊंगा, चाहे सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा मामला हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे हेडमास्टर भर्ती का परिणाम का मामला हो। लेकिन दूसरे दिन ही अखबार में आ गया कि 7 दिन में हेडमास्टर एसआई का परिणाम आ सकता है। लेकिन कम से कम आप मेरे, कुछ लोग कह रहे उपेन यादव तो अखबार में आने के बाद बोला, अरे महामूर्ख, कुछ लोग जो बोल रहे थे, मेरा वीडियो उठा के देखो उपेन यादव बेरोजगार महासंघ पे, पहले मेरी घोषणा थी अखबार में तो बाद में आई थी, पहले मैंने घोषणा की थी कि हम 11 तारीख को वहां जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोगों को दबाव बनाना होगा, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड एसआई वालों, 11 तारीख को मिले, मैं अजमेर आ रहा हूं और चेयरमैन साहब को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग करेंगे। आप सब लोग पूछे, मैं आ रहा हूं, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर में बाद में खबर आई थी, उससे पहले हमने घोषणा की थी, चाहे एलडीसी 2018 का मामला हो, चाहे आरपीएससी भर्तियों का मामला, पहले घोषणा की थी। हाँ जी, और अगला सवाल, पीटीआई भर्ती की अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, आप तो संगठित तो हुई है, आप आइए मैं भी चलूंगा, आपकी बात रखूंगा, लेकिन इकट्ठा आपको होना पड़ेगा, संगठित आप लोगों को होना पड़ेगा, आपके साथ मैं हूँ, कौन मना कर रहा है। रीट की नई भर्ती के लिए मैं 11 तारीख को बता ही दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा रविंद्र कोई हो किसी का सवाल, संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट ना, मुझे दुख है,
मुझे दुख है उनकी तानाशाही को लेकर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ मैं आपके हर दुख में साथ हूँ, और इस दुख को दूर करने के लिए भी पूरी पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, भगवान के आशीर्वाद से आज तक मेरी को हर कोशिश कामयाब हुई है। सीएम डिप्टी सीएम से मिलकर, मंत्री से मिलकर इनके तानाशाही के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करूँगा और आपका रिजल्ट जारी करने की मांग करूँगा, और मुझे विश्वास है कि हमारा प्रयास सफल होगा। दोस्तों, इस लाइव आने का मतलब यही था कि हम सबको एक होना पड़ेगा, हिस्सेदारी हमारी सरकार में होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार का सहयोग पूरा रहा है। अभी मैं सीएम साहब से मिलकर आया, सीएम साहब के सामने मांग रखी थी, एलडीसी 2018 का परिणाम आए, उन्होंने सीएम साहब ने अधिनेश बोर्ड के चेयरमैन से बात की, चेयरमैन साहब ने बताया कि सीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उनका कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द परिणाम जारी हो, आचार संहिता लगने वाली है, तो सीएम साहब ने वहाँ भी कॉल किया। सीएम साहब से मांग की थी कि लीड लेवल सेकंड के द्वितीय वैधता सूची जारी हो, कैलेंडर जारी हो, वो भी हो चुका। सीएम साहब से हमने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में एजी को भेजा जाए, तो उन्होंने एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल को भेजा, शानदार पैरवी की, जिनको 3 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद समझा के आया था दिल्ली जाके, और हमारे एडवोकेट ने मदद की, तो सरकार ने हमारा पूरा सहयोग किया। चाहे व्याख्याता भर्ती की डेट बढ़ाने की मांगो, चाहे हाईकोर्ट में एजी साहब को जोधपुर या जयपुर भेजने की मांगो, चाहे साइंस मेथ का अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देने की मांगो, जब जब गए हैं, जब जब आवाज़ उठाई, उन लोगों ने हमारा सहयोग किया, और अब मुझे विश्वास है जो भी मांग मैं लेके जाऊंगा वो पूरा करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम सबको अपनी ताकत के साथ रहना है। जब भी आपको आह्वान किया जाए जयपुर के लिए, आप सबको आना है, और एक चीज़ गलत है मैं निकाल लेना, उपेन यादव चाहता है कि बेरोजगार बोर्ड या छात्र संघ आयोग का अध्यक्ष बने, मुझे नहीं बनना, कोई भी बने, राजस्थान के किसी बेरोजगार के योग्य बेरोजगार बना दो, कम से कम हमारी बात तो रखे, कम से कम मैं भी तो जा सकूं। मैं आज एक मशीन तो हूं नहीं ना, आज मैं कभी अधिनाश बोर्ड, कभी सचिवालय, कभी कोर्ट, कभी कौन सा विभाग, मैं पागलों तरह भागता रहता हूं पूरे दिन भर, थक जाता हूं यार। कम से कम हमारा कोई भी चेयरमैन बने, उसके बाद तो जाके मैं बात तो रख सकता हूं कि भाई बुला ही ना अधिकारियों को, कर सामने बात, निस्तारण करो, ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए, कि कोई भी बेरोजगार पूछे भाई रुक, मैं भी अधिकारियों को बुलाता हूँ, भाई अधिकारी और बेरोजगार को बिठा के बोल क्या समस्या है, करो निस्तारण, ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए ना, आमने सामने बिठा कर काम होना चाहिए, उसको बोलते हैं काम, और उसी काम के लिए मैं आवाज़ कह रहा हूँ कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारा छात्र संघ आयोग या बेरोजगार बोर्ड हो, तो अधिकारी सामने, अभ्यर्थी सामने, आमने सामने होकर उसका निस्तारण उसी समय होना चाहिए, जिससे बेरोजगारों को न्याय मिल सके, अन्यथा बेरोजगार भटकते रहेंगे, कभी ज्ञापन देंगे, कभी कोर्ट जाएंगे, और घर से भटकते रहेंगे, कर्जा लेते रहेंगे और मरते रहेंगे, और साथ में जान देते रहेंगे, कोई फर्क किसी सत्ता के पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस लाइव का उद्देश्य यही है कि जब तक सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, हम लोग भटकते रहेंगे, इसलिए हम लोगों को अपनी ताकत सरकार को दिखानी, हालांकि सरकार को पूरी ताकत का अनुमान है, लेकिन फिर भी हमें ताकत दिखानी होगी कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारा बेरोजगार बोर्ड या बेरोजगार छात्र संघ आयोग होना चाहिए, जिसमें हम लोग बात रख सके, वो अधिकारियों को बुलाकर तमाम समस्याओं को हल करा सकते हैं। छोटी मोटी समस्याएं बहुत आती है, किसी ने मेल की जगह फीमेल भर दिया, किसी नंबर ज़्यादा भर दिया, कम भर दिए, कोई समस्या आती है, उनका निस्तारण तो हो सकता है ना, लेकिन इन समस्याओं के लिए हमारी हिस्सेदारी होना आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो भी कोई संदेश होगा आपके बीच में रहूँगा, बस ये कहना होगा कि हम सबको मजबूत बनना है, हम सबको एक होना है, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, और इस चुनावी माहौल में हमें अपनी ताकत को प्रदर्शित करना है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि ये ना सोचे कि मेरे किसी पार्टी विशेष लगाओ, न मुझे कांग्रेस से मतलब, न मुझे बीजेपी से, न एक्स वाई जेड से, मुझे मतलब है मेरे बेरोजगारों से। आपने देखा होगा 13 तारीख को इस्टे आया तो मैं सरकार के खिलाफ भी बोलने लगा था कि नहीं आपने काम नहीं किया तो मैं खिलाफ हो जाऊंगा, लेकिन सरकार ने हमारा काम किया। जहां जहां सरकार काम करेगी मैं धन्यवाद बोलूंगा, जिंदाबाद बोलूंगा, काम नहीं करेगी तो दोस्तों सड़कों पर उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे लिए आप पहले हो। इसलिए आप यह ना सोचें क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष से जुड़ जाएंगे तो हमारे काम रुक जाएंगे, हमें केवल अपनी ताकत के साथ रहना हो और कहना जो हमारा काम करेगी उसके साथ है और उसको धन्यवाद भी देंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद आप सब लोगों को, और इस जो मैंने जितना संदेश दिया उसमें आपको गौर करना। जय हिंद, जय भारत। कितनी देर बोल दिया भाई?